मारूफ आलम दीन मुफ्ती सलमान अज़हरी की गुजरात ATS की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत में आज वंचित बहुजन आघाड़ी के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर के मारिफत वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को एक मेमोरेंडम रवाना किया। इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि मुस्लिम मजहबी स्कॉलर मुफ्ती सलमान अज़हरी को गुजरात ATS की जानिब से गिरफ़्तार किए जाने पर हम इस गिरफ़्तारी की मजम्मत करते हुए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती सलमान अज़हरी की फौरी रिहाई के लिए ट्रांजिट रिमांड को मनसूख करने के लिए हाई कोर्ट में अपील दाखिल करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी को फौरी तौर पर रिहा करवाएं। शहर सदर शुमाल अयूब खान, शहर सदर जुनूब विठल गायकवाड़, अशोक काकंडेकर, एडवोकेट शेख बिलाल मोहम्मद कासिम, अशोक कापसेकर अब्दुलसमी के अलावा मौलाना अब्दुल खादर अलीमुद्दीन सुनार, हाजी यूनुस मेमन, शेख फारूक, अमृत नलंगरकर व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। नहीं है जो इस गलत तरीके से जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया गया है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है। उन्होंने कोई बयान में कुछ नहीं कहा है, ये जो है सो जाति हो रही है माइनॉरिटी खिलाफ अल्पसंख्यक के खिलाफ, ये नहीं होना चाहिए। ये जो RSS और BJP गवर्नमेंट है ये सब गलत निर्णय डिसीजन ले रही है, ये भी हिसाब से बहुत गलत है। हमारी यही डिमांड है जो जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जाए, भाई गवर्नमेंट से यही हमारी ठीक गुजारिश है। जी मौलाना के ऊपर जो ये कार्रवाई हुई इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं और आप जो है क्या आपकी जो है प्रतिक्रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुफ्ती सलमान अज़हरी पे जो भी हुआ ये तमाम उलमा किराम भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये सब गलत हो रहा है उनके साथ। आप जिस तरह कह रहे हैं सुनने में आ रहा है, ये जो उन्होंने बयान कर रहे बयान में सब कुछ उन्होंने बोले नहीं कि जिस तरह कार्रवाई की जाए, तो ये हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से या सरकार से ये चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी जल्द से जल्द रिहा करें। ठीक। हर देश गेल्या 70 वर्षांमध्ये जगातला सर्वात मोठी बलाढ्य लोकशाही म्हणून पुढे आलेला आहे, परंतु BJP RSS सारख्या जातीवादी धर्मांध शक्तींच्या हातामध्ये हा देश आल्यापासून हा देश संविधानानुसार न चालवता या देशाला RSSच्या धोरणानुसार चालवण्याचा पाप सेंटरमधली नरेंद्र मोदीची सरकार आणि राज्यामधली BJP सरकार करत आहे। आणि यानुसार मुस्लिम धर्मविद्वान असलेले मौलाना अज़हरी साहेबांच्या एका व्हिडिओ क्लिपला व्हायरल करण्यात आलं आणि व्हायरलच्या दबावामध्ये त्यांच्या विरोधात 153 दाखल करून त्यांना महाराष्ट्र ATSने अटक करून ट्रान्झिट रिमांडवर गुजरात ATSला हँडओव्हर केलं। आमचा एक प्रश्न आहे, नांदेड जिल्ह्यामध्ये गेल्या 4-5 वर्षांमध्ये कितीतरी डझन लोकांवर 153 दाखल झालेला आहे, नुकताच काही महिन्यापूर्वी बिलोलीमध्ये कालीचरण महाराजावर आमच्या दबावात 153 दाखल झालेला आहे, त्यापूर्वी टी राजा सिंगवर 153 दाखल झालेला, डझनो लोकांवर दाखल झालेला असताना आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी साधी अटकसुद्धा कोणाला केलेली नाही आहे। तर मग मौलाना अज़हरी यांना ATS मार्फत अटक करते याच्यावरून या सरकारचे धोरण स्पष्ट होतात। आणि त्यामुळं आमचं म्हणणं आहे की जर या 2-3 दिवसांमध्ये मौलाना अज़हरी साहेबांना तात्काळ महाराष्ट्र सरकारनं ट्रान्झिट रिमांड रद्द करून त्यांना गुजरातून महाराष्ट्रामध्ये आणून 153 अचं जामीन मंजूर करून मुक्त करण्यात यावं, जर हे करण्यात आलं नाही तर उलेमा इकरामच्या मार्गदर्शनानुसार येणारा पुढचं आंदोलन तीव्र आंदोलन करण्याचं काम आम्हाला करावं लागणार आहे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है, दरअसल में महाराष्ट्र सरकार भी RSS के दबाव में उनको, गुजरात पुलिस ने जो अटक किया है महाराष्ट्र सरकार ने भी उसको ढील दिया है और वो गुजरात पुलिस यहाँ से उनको ले गई है। कई इस तरह 153 के तहत कई ऐसे लोग हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है लेकिन उनकी अभी तक की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। हमारी मांग है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, अगर उनको रिहा नहीं किया जाता है तो फिर उलमा इकराम की निगरानी में और उलमा इकराम की रहबरी में फिर एक धरना आंदोलन किया जाए।